हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक है हमारा क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का हमारा आज का टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक है हमारा टॉलेन अभिकर्मक। क्या होता है टॉलेन अभिकर्मक, रिएक्शन कैसे करनी है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। फिर बात आती है मौलिस परीक्षण, मौलिस परीक्षण क्या होता है, कैसे मौलिस परीक्षण किया जाता है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है, एक एक चीज बताएंगे। फिर बात आएगी फेलिंग विलेन। आज इन तीनों चीज़ों को आज के इस एक ही वीडियो में हम इनका परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला परीक्षण, टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण कैसे किया जाता है, क्या होता है टॉलेन अभिकर्मक और रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉलेन अभिकर्मक होता क्या है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और उसमें हम क्या मिला दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट इसका फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। ये क्या होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा टॉलेन अभिकर्मक, ठीक। क्या बनेगा हमारा टॉलेन अभिकर्मक, Ag2O बनेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार रिएक्शन होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, जब किसी एल्डिहाइड की क्रिया, जब हम किसी एल्डिहाइड की क्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराते हैं, ठीक है। ये आपका टॉलेन अभिकर्मक है Ag2O, ठीक। जब हम किसी भी एल्डिहाइड की क्रिया जिसमें क्या होते हैं CHO समूह, इसको क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड समूह बोला जाता है, ठीक है। जब हम किसी एल्डिहाइड की क्रिया टॉलेन अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण का काला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लेंगे सबसे पहले कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे कि हमने एल्डिहाइड लिया है, हमने लिया है एस्टेल्डिहाइड CH3CHO। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एस्टेल्डिहाइड। क्या है हमारा, ये हमारा है एस्टेल्डिहाइड, ठीक। ये हमारा एस्टेल्डिहाइड है। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, टॉलेन अभिकर्मक यानी कि Ag2O के साथ कराएंगे, ठीक है। हमने लिया है एस्टेल्डिहाइड, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं टॉलेन अभिकर्मक के साथ। तो होगा क्या, यहाँ से CH3 समूह मुक्त होगा और यहाँ से क्या होगा CH3 और ये O है, ठीक, और एक ये O, तो क्या हो जाएगा CH3COO और ये H, ठीक, CH3 और फिर ये वाला हम C ले लेंगे, एक ओ ये है, एक ओ ये है, CH3CO और एक H ये है, ठीक है, एक H यहाँ पे जुड़ा, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है एसिटिक अम्ल, ये हमारा क्या बन गया है, एसिटिक अम्ल बन चुका है, ठीक है। ये हमारा एसिटिक अम्ल बन चुका है और बचा क्या है, 2Ag, Ag2 बचा है, Ag2 बचा है, तो ये Ag2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2Ag, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, 2Ag, ये हमारा बन चुका है रजत दर्पण, ये हमारा क्या है, रजत दर्पण बन चुका है, रजत दर्पण का काला अवक्षेप। तो हमने किया क्या, हमने सिंपली एस्टेल्डिहाइड लिया, एस्टेल्डिहाइड की क्रिया हमने यहाँ पे, ये कौन सा है, ये है आपका टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है, टॉलेन अभिकर्मक से कराई क्रिया। तो जब हमने एस्टेल्डिहाइड की क्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ और रजत दर्पण का काला अवक्षेप हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये था हमारा टॉलेन अभिकर्मक। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम क्या कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। जब हम सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो हमारा टॉलेन अभिकर्मक बन जाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जब टॉलेन अभिकर्मक की क्रिया किसी भी एल्डिहाइड से करा दें, ठीक है, किसी भी एल्डिहाइड के साथ हम टॉलेन अभिकर्मक की क्रिया करा दें तो हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण यानी 2Ag, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, रजत दर्पण, ठीक। तो ये था हमारा टॉलेन अभिकर्मक, ठीक। अब चलिए देखते हैं मौलिस परीक्षण और फेलिंग विलयन परीक्षण कैसे किया जाता है। तो बात आती है फेलिंग विलयन परीक्षण, अब ये क्या होता है, कैसे किया जाता है फेलिंग विलयन का परीक्षण, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड लें या फिर ग्लूकोज या फिर फॉर्मिक अम्ल। जब हम एल्डिहाइड, ग्लूकोज या फिर फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ, अब ये फेलिंग विलयन क्या होता है, CuO का विलयन, CuO को हम क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन। ये CuO को क्या कहते हैं हम, फेलिंग विलयन, ठीक है, CuO को फेलिंग विलयन कहा जाता है, ठीक है। तो जब हम क्या करें, किसी भी एल्डिहाइड,
ठीक है, किसी भी एल्डिहाइड ग्लूकोज ले लें या फिर फॉर्मिक अम्ल की क्रिया इस फेलिंग विलयन के साथ कराएं। किससे कराएं? इस फेलिंग विलयन के साथ कराएं तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, C2O का लाल अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। इसे इस परीक्षण को ही हम क्या कहते हैं? फेलिंग विलयन परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलिंग विलयन परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, जब हम एल्डिहाइड ले लें, चाहे एल्डिहाइड की क्रिया कराएं, ग्लूकोज की कराएं, फॉर्मिक अम्ल की कराएं फेलिंग विलयन के साथ, तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन करा लेते हैं। इसकी रिएक्शन भी, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले लेंगे एस्टेल्डिहाइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन एस्टेल्डिहाइड से करा लेते हैं। ठीक है, एस्टेल्डिहाइड लिया और इसके साथ हम क्या मिलाएंगे? फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन के दो भाग लेंगे, CuO। ठीक है, ये क्या होता है? आपका फेलिंग विलयन है, ये आपका एस्टेल्डिहाइड है। ठीक है, ये आपका एस्टेल्डिहाइड है। पहले हम रिएक्शन एस्टेल्डिहाइड के साथ कराएंगे, फिर हम ग्लूकोज के साथ कराएंगे। ठीक है, ये हमारा एस्टेल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है फेलिंग विलयन। ठीक है, फेलिंग विलयन। अब हमने मिलाया है एस्टेल्डिहाइड, इसमें मिला दिया फेलिंग विलयन, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3। ये CH3 मुक्त हुआ और यहाँ से क्या करेंगे हम? एक O ले लेंगे और एक C ले लेंगे। ठीक है, एक C हम यहाँ से ले लेंगे, एक O ले लेंगे, तो यहाँ पे एक C बचेगा, एक C बचेगा और क्या हो जाएंगे? U2 बचेंगे, एक O बचेगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? देख सकते हैं आप, C, एक C बचा है ना, कार्बन के एक बचे हैं, U क्या है? U के दो हैं, तो CU2 और एक ऑक्सीजन बचेगा, क्योंकि हमने इससे क्या उधार ले लिया? एक कार्बन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, जो कि हम किसके साथ यूज़ करेंगे? ये जो एस्टेल्डिहाइड का समूह मुक्त होगा इसके साथ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एस्टेल्डिहाइड से हम क्या ले लेंगे? मेथिल समूह CH3 ले लेंगे, एक कार्बन जो हमने इससे उधार लिया था इस कार्बन को यहाँ रख देंगे, एक ऑक्सीजन उधार लिया इसको भी यहाँ जोड़ेंगे और एक ये जो OH हाइड्रोक्सिल समूह है इसको हम आगे जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? CH3COOH, जिसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या नाम होता है? एस्टिक अम्ल इसका नाम है। और आगे हमारा क्या बना है? ये हमारा है क्यूप्रस ऑक्साइड। ये हमारा क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक, ये हमारा है क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने किया क्या? हमने सिंपली एस्टेल्डिहाइड की क्रिया जब फेलिंग विलयन्स के साथ कराई तो हमें एस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ और ये क्यूप्रस ऑक्साइड का हमें लाल अवक्षेप प्राप्त हुआ। किसका कौन सा अवक्षेप प्राप्त हुआ? लाल अवक्षेप। और जो हमने रजत दर्पण बनाया था उसमें रजत दर्पण का काला अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, ये लाल अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ अगर हम इसकी क्रिया उसके साथ भी कराते, ठीक है, ग्लूकोज के साथ भी फेलिंग विलयन की क्रिया कराते तब भी हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिलता। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कराते हैं। सिंपली हमने लिया है यहाँ पे ग्लूकोज, फॉर्मूला देख लीजिए, CHOCHOH का होल 4 CH2OH, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें मिलाएंगे हम फेलिंग विलयन के दो भाग, इसमें भी मिलाएंगे। ठीक है, CuO यानी फेलिंग विलयन के दो भाग हमने मिलाए, अब रिएक्शन कराते हैं। उसमें क्या था? हमने एल्डिहाइड लिया था, फेलिंग विलयन मिलाया था, तो क्या बना था? एस्टिक अम्ल COOH जुड़ गया था। ठीक है, COOH जुड़ गया था। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो ये O है, ठीक है, इसके साथ भी एक O, यहाँ से एक O निकलेगा और ये हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो भी यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक, एक O यहाँ से मिलेगा, एक O पहले से लगा और H बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ग्लूकोज हमारा? COOH। ठीक, ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी पूरा फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। देख सकते हैं आप, बाकी पूरा फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, ग्लूकोज ग्लूकोनिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से ये जो फेलिंग विलयन है, यहाँ से हमने एक कार्बन ले लिया, एक कार्बन हमने ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया। ठीक, एक कार्बन एक ऑक्सीजन ले लिया, तो ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल बन चुका है और यहाँ से क्या हो जाएगा? CU2O। फिर से ये बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। देख सकते हैं आप, ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल है और ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन चुका है जब हमने ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराई। ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला परीक्षण मोलिस परीक्षण क्या है।
तो मॉलिस परीक्षण, क्या होता है मॉलिस परीक्षण ये देख लीजिए आप। ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण, ठीक है। मॉलिस परीक्षण आपका कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है और इसमें हम क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं, क्या इसके लिए क्या करते हैं, हम एक परख नली लेते हैं जिसमें क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। एक परख नली जिसमें हम ग्लूकोज लेते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं, 2 ml अल्फा नेफ्थॉल मिलाते हैं, ठीक है। एक परख नली लेते हैं जिसमें हमने ग्लूकोज मिलाया है, अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहली विलयन मिलाते हैं जो कि हम ऊपर से गिराते हैं, ठीक है। इस एल्कोहली विलयन को हम ऊपर से बूंद बूंद करके गिराते हैं, कितना कितना गिराते हैं, बूंद बूंद करके इसमें अल्फा नेफ्थॉल मिलाते हैं, ठीक है। पहले हमने ग्लूकोज डाला परख नली में, फिर अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहली विलयन इसमें बूंद बूंद करके गिराते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, इसमें H2SO4 मिला देते हैं, ठीक है। बाद में हम इसमें H2SO4 मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये क्या करता है, हमें बैंगनी रंग का अवक्षेप देता है, ठीक है। बैंगनी रंग का अवक्षेप देता है जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिस परीक्षण कहते हैं। इसमें एक परख नली होती है जिसमें हमने क्या किया है, ग्लूकोज डाला है, फिर 2 ml, ठीक है, 2 ml अल्फा नेफ्थॉल का एल्कोहली विलयन इस परख नली में बूंद बूंद करके गिराते हैं और बाद में जब दोनों को मिक्स कर लेते हैं, ग्लूकोज और अल्फा नेफ्थॉल का, तो बाद में हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिला देते हैं। तो ये पूरा प्रक्रम, ये जो तीन द्रव है, ग्लूकोज, अल्फा नेफ्थॉल और H2SO4, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, बैंगनी रंग का अवक्षेप देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिस परीक्षण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिस परीक्षण कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉलेन अभिकर्मक, मॉलिस परीक्षण और फेलिंग विलयन परीक्षण, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आए, अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।